जी अब मैं दावा दूंगा, हमारी मोहतरमा जनाब कराची से तशरीफ़ लाई हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ टीबी फाउंडेशन पाकिस्तान से मुतासर होकर इधर हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं, इतना सफ़र करके, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप भाइयों की तरफ इलम नछावर करने आई हैं। अब मैं उनको दावा दूंगा, डॉक्टर अनीला तकी शेख साहब, शेख साहब आप वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। वेलकम जी, वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। आप दा देते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं टीपी फाउंडेशन का और हकीम अमानत साहब का और तमाम गवर्निंग बॉडी का और यहाँ पे मौजूद मेरे तमाम भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। इंशाल्लाह जो पॉइंट्स मैं बताऊँगी कुछ मेरी प्रैक्टिस से है, कुछ मुझे अता किया गया है। डॉक्टर अनीला तकी शेख सैफी नक्शबंदी हूँ मैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अहमद अली शाह साहब से बैठ हूँ। नक्शबंदी चिश्तिया कादरिया सोनभद्र सिलसिला है। हम में से अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि हमने उनको सही दवा तजवीज़ की है अपने मरीज को और वही नुस्खा हमने और भी लोगों को दिया, सबको फ़ायदा हुआ, लेकिन एक मरीज दो मरीज़ ऐसे हैं जो हमारी जान को आ गए कि डॉक्टर साहब ये तो इसमें चांदी डाली, आपने पारा डाला, सोना डाला, हीरा डाला, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। भाइयों ऐसा होता है? होता है, होता है। यस या नो? ऐसा होता है ना, तो क्या वजह है कि 10 मरीजों को तो फ़ायदा हुआ, वही नुस्खा खुद इस्तेमाल किया फ़ायदा हुआ, लेकिन इस मरीज़ को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, और सुबह शाम चक्कर लगा रहा है और फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है, तो आखिर मामला क्या है? तो भाइयों उसका मामला है रूहानी मामला। ये मामला हसद नज़र का भी हो सकता है, अमलियात का भी हो सकता है, जिन्नाती असरात भी हो सकते हैं और जादू का भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा? आया ये केस हमें खुद ही हैंडल करना चाहिए या हम इसको किसी बाबे के पास भेज दें और फिर वो बोले कि जी बकरा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसा है ये नहीं? तो ये केस भी आप खुद ही हल कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। क्या करना है? पेशेंट से कहें कि वो अपनी एक रात पहनी हुई कमीज लेकर आए, जिस कमीज को पहनकर वो सोया है, और उसको बोले कि ये कमीज रख के तुम चले जाओ, मैं इसको चेक करके बताऊंगा। किसी भी वक्त की नमाज पढ़ के जब आप फारिग हो, उस कमीज को एहतियात से पूरा खोलें और उसको नापें, दो तीन दफ़ा नापें, 30 इंच, 40 इंच, जो भी उसका नाप है वो एक कागज़ पे लिख लें। उसके बाद उसको फोल्ड करें, फोल्ड करके अब एक साइड पर रख दें और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा 3 बार, सूरह सिफात आयत नंबर 1 से 11, सूरह जिन आयत नंबर 1 से 4, सूरह फलक सूरह नास सिर्फ एक बार, ये सब पढ़कर उस कमीज पर 3 दफा फूंक मारें। 3 दफा आपने फूंक मारी, उसके बाद उस कमीज को खोलें और उसको दोबारा नापें। अगर जो उस कमीज का साइज आधा एक इंच भी बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हसद नजर और असरात का मामला है। और अगर कमीज का साइज आधा एक इंच कम हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जादू और जिन्नात का मामला है। अब ये उसके झपेटे में भी आ सकता है और किसी ने उसे करवाया हो, ये भी मामला हो सकता है, सही। और अगर कमीज का साइज ना पड़ता है ना कम होता है, इसका मतलब यह है कि कोई तिब्बी मामला है और उसने आपका नुस्खा सही से इस्तेमाल नहीं किया है जैसे आपने बताया था, या उसने उस दवा के आगे पीछे कोई ऐसी चीज खा ली है जिसने उस नुस्खे को एंटीडोट कर दिया है, उसको जाया कर दिया है, सही। अब हमें क्या करना है? उसका इलाज, उसके इलाज की तरफ आते हैं। इसका इलाज भी आप बजाते खुद कर सकते हैं। क्या करना है? एक गिलास पानी लें
सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 सिर्फ 21 बार पढ़नी है, 5 से 10 मिनट का। ये बहुत आसान सा अमल है, कोई भी कर सकता है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 बार माजेतुम बिसहर इन्नल्लाह सयुक्तिलुहु। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, ये साथ साथ पर। और फिर अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे निजात दे। अल्लाहुम्मा फीनेहुम बिमा शिता हस्बनल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला नेमल नसीर। या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। रब्बे इन्नी मगलूबन फंता से। ये पढ़ के उस पानी पे आप दम करें, मरीज को दे दें जिसकी कमीज है, या बोतल पे दम करें और उसको बोलें कि भाई इस पानी को तुम 21 दिन 40 दिन पीते रहो। अगर हसद नजर का मामला है तो 21 से 40 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन अगर जादू और जिन्नात का मामला है तो मेरे भाइयों, ये मामला ऐसा होता है जादू जिन्नात का कि जब किसी को बीमार करता है तो बॉडी के अंदर सेलुलर चेंजेस आती हैं, और सेलुलर चेंजेस 3 महीने में सही होती हैं। तो आप उसको बोलेंगे कि भाई ये पानी 40 दिन नहीं, तुम्हें 3 महीने पीना है, खत्म हो जाए तो उसमें और डालते रहो और सुकून से पीते रहो, इंशाल्लाह तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा। फिर जब मरीज दोबारा आए अब उसे इसी तरह से चेक करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी। शुक्रिया। आज का दूसरा हिस्सा है मेरे लेक्चर का होम्योपैथिस। होम्योपैथिस में मैं अपने दो बहुत ही आसान से केस यहाँ शेयर करना चाहूंगी जो कि किडनी स्टोन से मुतालिक हैं। काशी राम की किताब में लिखा है सल्फर के मरीज को, हर मरीज को आप सल्फर ना दें क्योंकि उससे उसकी मौत भी वाकई हो जाएगी। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आप हैरान होंगे, मैंने सल्फर मेडिसिन से पेशेंट्स के किडनी स्टोन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने निकाले सिर्फ 3 दिन में। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, अपनी सी कोशिश पूरी करनी चाहिए। बस ये आप देखें कि वो पेशेंट सल्फर का मरीज हो, सल्फर का मरीज हो। सल्फर के मरीज की कुछ खसूसियात होती हैं जिसको आप हजारों में पहचान सकते हैं। होम्योपैथिक में हम प्रैक्टिस करते हैं सिमिलर मेडिसिन, मतलब जैसा मर्ज है वैसे ही दवा होनी चाहिए और मरीज की कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टरिस्टिक वैसे ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ कालों की मेडिसिन अलग है, गोरों की अलग है, मोटों की अलग है, पतलों की अलग है, जो लोग जिस्मानी काम ज़्यादा करते हैं उनकी अलग मेडिसिन है, जो ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनकी मेडिसिन अलग है। तो हमारी ये करेक्टरिस्टिक मेडिसिन हैं। तो सल्फर के मेडिसिन जिसको हम देंगे उसकी खसूसियात ये है कि सल्फर का मरीज गर्मी में भी आपको नजर आएगा कि उसने मोटे कपड़े पहने हुए हैं या सर पर ऊनी टोपी पहनी हुई है। आप हैरान होंगे, यार इतनी गर्मी है मैं नमाज की टोपी सर पे नहीं रख पा रहा हूँ, तुमने इतनी मोटी टोपी पहनी हुई है सर्दी वाली। वो बोलेगा हाँ मुझे तो कोई मसला नहीं है। ये सबसे पहली निशानी है सल्फर के मरीज की। दूसरा, उसके कंधे थोड़े से झुके हुए होंगे, उसको नहाने से नफरत होगी, नहाना उसको पसंद नहीं होगा, वो 3 दिन 4-4 दिन एक हफ्ता नहीं नहाता है। सल्फर का मरीज जल्दी जल्दी कपड़े नहीं बदलता है। जब आप ये निशानी किसी मरीज में देखें तो समझ जाएंगे ये सल्फर का मरीज है। और अगर उसे गुर्दे का मर्ज है आप उसे सल्फर 200 की खुराक दें, 3 डोज देनी है सिर्फ सुबह शाम, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के बाद ही वो आपसे बताएगा कि वो स्टोन निकल गए, ब्लीडिंग होगी, पेशाब में ब्लीडिंग होगी, स्टोन बिल्कुल पाउडर होके निकलेंगे, मरीज को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप चाहें तो उसका यूरिन डीआर भी करवा के देख लें। दूसरा केस है किडनी स्टोन का ही। ये ऐसा शख्स है जो कि टीचर था, जो पढ़ाने वाले होते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं। ऐसे किसी मरीज़ को अगर गुर्दे में पथरी हो जाए और वो सर्जरी भी करवा चुका है, बार बार उसको पथरी, ऐसा है अगर आपने केसेस देखे हों, एक दफ़ा दवा दें इलाज हो जाए दोबारा पथरी फिर हो जाती है, जैसे साइनस का मसला है या ख़वातीन में ओवेरियन सिस्ट का मसला है, तो पथरी ऐसा है कि बार बार हो जाती है। तो ऐसा मरीज जो कि जिस्मानी काम नहीं करता लेकिन दिमागी काम करता है और वो पहले से दवा भी लेता रहा है, उसको सबसे पहले हम देंगे नक्स वामेका। नक्स वामेका 200 पोटेंसी में देंगे सिर्फ एक खुराक।
ये एंटीडोट कर देगी। पिछले उसने जितनी दवाइयां इस्तेमाल की हैं एलोपैथिक, हिकमत की, होम्योपैथिक की, उन सब के असरात को ये खत्म कर देगी। 24 घंटे कोई दवा नहीं लेनी है और उसके बाद अगले दिन से कैंथेरिस और बर्बेरिस ये 200 पोटेंसी में लेंगे, हम 10 ड्रॉप देंगे। मैं हर्बल की तरफ भी आ रही हूँ। असल में ये सारे बनाते हैं एक मिनट मुर्तजा भाई, ये नेचुरोपैथी भी हैं, टिप भी करती हैं। असल में हमारे कुछ बिल्कुल मैं बताता हूँ ना, हमारे काफ़ी जो हमारे सीनियर जो दोस्त हैं, जूनियर बैठे हैं, वो होम्योपैथिक भी हैं। हाँ जी जी, हाथ खड़ा करके बताएं भी कितने होम्योपैथी हैं, ये देख लीजिए। ये आप सल्फर को गंधक कहें और कुचले को, ये कुचले को बहुत शुक्रिया मानत। ऐसा है कि नॉलेज होती है, मैंने भी हिकमत नहीं किया, मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ, तो जाहिर है नॉलेज लेने आई हूँ ना। और आप लोग भी यहाँ पर सब आए हैं, सीखने का अमल किसी उम्र में ख़त्म नहीं होता, चाहे आप 20 साल के हों, 40 साल के हों या 60 साल के हों, हम कभी भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। जिंदगी के किसी लम्हे में वो नॉलेज हमारे काम ही आती है आखिर, इसलिए इस पर एतराज नहीं करना चाहिए। अब सीखने आया तो सीखो, जो मिल रहा है वो ले जाओ। आपको आसान इलाज मिल रहा है और क्या चाहिए आपको। सल्फर को उर्दू में गंधक भी कहते हैं, और पहले जमाने में लोग पानी के टैंक में गंधक जो है वो सॉलिड फॉर्म में येलो कलर का होता है पानी में डाल देते थे, खत्म सारे मसले ही हल हो जाते थे, इतने बीमार भी नहीं होते थे ना, सारे हॉस्पिटल भरे होते थे। लेकिन अब हम लोगों ने वो पुरानी चीजें छोड़ दी हैं, उन रिवायतों को छोड़ दिया है, और अफसोस कि हम नई चीजों को, पुरानी चीजों को सुन रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, बस खड़े होकर इतराज कर देते। एनीहाउ हम उसे कंटिन्यू करते हैं। गुर्दे में अगर स्टोन है तो सल्फर से 3 दिन में मर्ज ठीक हो सकता है। दूसरा मरीज मैंने आपको बताया जो कि जिस्मानी काम नहीं करता, दिमागी काम करता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, तो उसको आप देंगे नक्स ओमेगा एंटीडोट करने के लिए, और उसके बाद कैंथेरिस देंगे और बर्बेरिस देंगे। अब मैं आती हूँ अपने लेक्चर के तीसरे हिस्से की तरफ जो कि नेचुरलपैथी से मुंसलिक है। मैंने एमडी भी किया हुआ है अल्टरनेटिव मेडिसिन में, प्रेशर पॉइंट पे भी काम करती हूँ और उन चीज़ों पे भी काम करती हूँ जिसपे हुक्मा भी काम करते हैं। यही वजह है कि इस प्रोग्राम को अटेंड किया और कराची से इतनी दूर आई। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जिस्म के अंदर वरम, जोड़ों का दर्द, अमूमन हर एक को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है 40 साल के बाद, खासतौर पे वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी हो, वालदेन में से या रिश्तेदारों में से किसी को ये मर्ज हो, तो अगर वो चीनी कम भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये चीज़ उनको बार बार खौफ दिलाता रहता है कि माँ को है, बाप को है, नहीं नहीं मैं चीनी कम लूँगा, मुझे भी हो जाएगी, और ये खौफ ही उसको शुगर में मुब्तला कर देता है। इसका बहुत ही आसान सा हल है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। मेथी दाना, दारचीनी, कलौंजी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, इन सब को हम वजन ले लें 10-10 ग्राम या 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम, और उसको ग्रेंड कर लें, बारीक पीस लें, बारीक पीस के उसको एक शीशे के जार में महफूज कर लें। रोजाना सुबह निहार मुंह, इस्तेमाल का तरीका भी बहुत आसान है। 2 गिलास पानी लें स्टील की पतीली में, आधा चाय का चम्मच वो सफूफ डालें, उसे इतना पकाएं कि वो एक गिलास रह जाए। और जो शुगर के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, वो इसके अंदर 1 चम्मच एप्पल सिरका अगर मौजूद नहीं है तो फिर लेमन जूस, 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करें और वो पी लें, और उसके बाद बैठे ना, वॉक करें, चलते फिरते। वॉक करने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ में बैग लेके आधा घंटा एक घंटा चल के ऑफिस जा रहे हैं, नहीं, आपके हाथ में भी कुछ ना हो, आपके दिमाग में भी कुछ ना हो और कोई सोच ना हो, जब आप वॉक करें तो आप देखें पत्ते कौन से हैं, आसमान पे बादल कैसे हैं, परिंदा कौन सा चहचहा रहा है,
बिल्कुल रिलैक्स रहें, हाथ में तस्बीह लें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह करते रहें। आधा घंटा आपको वॉक करनी लाजमी है ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए और जिनको जोड़ों का दर्द है उनके लिए भी। कोई भी चीज़ जादू छू मंतर से नहीं हो जाती, हकीम और डॉक्टर की दवा से नहीं हो जाती। पेशेंट को भी थोड़ा सा उसको ज़हनी तौर पे उसकी काउंसलिंग करें कि हाँ भाई आपको वॉक करना ज़रूरी है। पहले ज़माने में लोग इतना इतना पैदल चलते थे और सेहतमंद रहते थे, लंबी ज़िंदगी पाते थे सेहत के साथ। और आजकल मैं देख के हैरान होती हूँ, 40-45 साल के भी हैं और मस्जिद में कुर्सी लेके बैठे हुए होते हैं। इसी तरह खवातीन भी हैं, मिलाद शरीफ हो रहा है, कोई तकरीब हो रही है, नीचे नहीं बैठेंगी, चेयर चाहिए स्टूल चाहिए, क्यों? तो अपनी टांगों को चलता फिरता रखें, निहार मुंह कहवा पीना है, कहवा पीने के बाद वॉक करनी है 40-45 मिनट बाद, और फिर 10 मिनट के बाद आपको 15 मिनट बाद नाश्ता करना है। वॉक करके आते के साथ ही नाश्ता नहीं करना है, ये एहतियात बताएं। और ब्लड प्रेशर के मरीज रोजाना जरूर नहाएं। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे जिसमें अजवाइन भी है, सौंफ भी है, जीरा भी है। अगर किसी को मैदे की तेजाबियत का मामला है तो अजवाइन और कलौंजी उसको गर्म नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ इलायची जीरा और सौंफ भी डाला है जो कि तेजाबियत को एसिडिटी को और गैस को भी ख़त्म करता है। लेकिन बात वही है कि चलना ज़रूरी है, ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। और बोले कि परहेज़ करो मीठे से, और ब्लड प्रेशर है तो ज़ाहिर नमक से परहेज़ करना है, थोड़ा सा परहेज़ बताइए। पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 2-3 महीने में ही बेहतरीन रिजल्ट आ जाता है। और ऐसे भी मेरे पेशेंट हैं जिनकी शुगर बिल्कुल सही हो गई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी एक नेमत है और सेहत उससे बढ़ के नेमत है। हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ने पूछा था तुम्हें क्या चाहिए, तो यही कहा था कि सेहत मांगो। जी भाई, मैंने साइनस का नहीं बताया, मैंने साइनस का नहीं बताया, इसका हवाला दिया था तो बात अधूरी रह गई थी, तो इसमें थोड़ी वजाहत कर दो क्योंकि मैं ये पेशेंट में ये खुद मरीज हूँ। साइनस का जिक्र हुआ था, साइनस के लिए सिलिशिया ली जाती है, सिलिशिया 200 में देते हैं और काली म्योर देते हैं, काली बाइक्रोमियम देते हैं 30 पोटेंसी में। जिस दिन आप सिलिशिया 200 लेंगे उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, सुबह और शाम 10-10 कतरे लें, उसके बाद 2 दिन का गैप करें, फिर उसके बाद आप काली म्योर और काली बाइक्रोमियम 30 पोटेंसी में लेंगे सुबह और शाम 3 दिन, फिर गैप करेंगे, फिर सिलिशिया लेंगे, इस तरह से करेंगे भाई। और ट्यूक्रियम आता है क्यू पोटेंसी, मदर टिंचर क्यूक्रियम, डिस्टिल वाटर में ट्यूक्रियम के 10 कतरे डालें, ड्रॉपर बनाएं, नाक में डालें, इंशाल्लाह ताला साइनस का मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। लमाज साहब, हमारी मोहतरमा जो कि अनीला तकी साहबा, आप लोगों को कुछ काफ़ी गाइडनेस भी दी है, मुख्तलिफ नुस्खा जात भी दिए हैं और अपने इलम के बारे में भी बताया है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी मेहनती हैं। और कराची में इनका एक नाम है और ख़वातीन मस्तूरात में ये उनकी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो हमारी मुकम्मल टीम ने मशावरत की है, मशावरत करने के बाद हम डॉक्टर अनीला तकी साहबा को जो कराची से बिलोंग करती हैं उनको मुकम्मल कराची की ख़वातीन विंग का सदर मुंतखब करते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों की रहनुमाई साथ मैडम इधर आ जाए। नामदुन रसूल करीम, बहुत शुक्रिया अमानत भाई और तिब्बी फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के, मैं बहुत दिल से मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा
इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कराची ख़वातीन विंग के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूं और तिब्बी फाउंडेशन की बेहतरी के लिए हम इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ हॉल में मौजूद तमाम भाइयों का और फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी उनका तआवुन मुझे हासिल रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। तबीबा मोहतरमा डॉक्टर अनिला तकी शेख साहब फ्रॉम कराची, सदर फ्रॉम कराची।